हाँ जी दोस्तों, व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी लाने के बाद टेलीग्राम को लगातार फायदा हो रहा है। सेंसर टावर की ताजा रिपोर्ट के अनुसार टेलीग्राम गूगल प्ले स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया। व्हाट्सएप को पीछे छोड़कर टेलीग्राम इस साल जनवरी में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाले नॉन गेमिंग ऐप हो गया है। टेलीग्राम को मिले कुछ डाउनलोड में भारत की हिस्सेदारी 24% है। सेंसर टावर के डाटा से इस बात का खुलासा हुआ है। मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम को पिछले महीने 6,03,00,000 बार डाउनलोड किया गया। इस हिसाब से भारत में जनवरी में टेलीग्राम को 1,05,00,000 नए यूजर्स मिले। जनवरी 2020 की तुलना में टेलीग्राम को 3,08,00,000 गुना ज्यादा डाउनलोड किया गया। व्हाट्सएप के भारत में नई प्राइवेसी पॉलिसी से लोग नाराज हैं और इसलिए दूसरे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जैसे टेलीग्राम और सिग्नल पर स्विच कर रहे हैं। जनवरी में टेलीग्राम के बाद दूसरे नंबर पर टिकटॉक और फिर सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाले ऐप में तीसरे नंबर पर सिग्नल और चौथे नंबर पर फेसबुक है। व्हाट्सएप की रैंकिंग गिर गई है और यह फिसल कर 5वें नंबर पर है। आपको बता दें कि व्हाट्सएप पहले 3रे नंबर पर था। टेलीग्राम को भारत के बाद सबसे ज्यादा इंस्टॉलेशन इंडोनेशिया में किया गया। इसको मिले कुल डाउनलोड में इंडोनेशिया की हिस्सेदारी 10% है। रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2021 में सबसे ज्यादा बार डाउनलोड होने वाली लिस्ट में इंस्टाग्राम 6ठे नंबर पर है, 7वें नंबर पर जूम, 8वें नंबर पर एमएक्स टकाटक, 9वें नंबर पर स्नैपचैट और 10वें नंबर पर मैसेंजर ने जगह बनाई है। सेंसर टावर का कहना है कि जो भी अनुमान लगाया गया है वह 1 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2021 के बीच दुनिया भर में ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर दोनों में मिले डाउनलोड शामिल हैं। तो दोस्तों यह थी पूरी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग एडवांस टेक्निकल ज्ञान।